अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश क्लास आई एम योर इंग्लिश टीचर है खान आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश बुक पेज नंबर टू आज हम अपना ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट वन स्टार्ट है ओके okay? और हमारा यूनिट का नाम है पी पी लॉन्ग स्टॉकिंग स्टूडेंट्स यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमने जो हमारा यूनिट का नेम है टाइटल है इसको हमने समझना है और हमारा टाइटल क्या है पी लॉन्ग स्टॉकिंग स्टूडेंट्स जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो जब मैं आपसे कहूँगी कि आपने इन वर्ड को मेरे बाद रिपीट करना है लाउडली तो आपने रिपीट करना है ओके और ऊंची आवाज़ में रिपीट करना है ताकि आपको वर्ड्स मुश्किल वर्ड्स को प्रोनाउंस करना आए पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग पीपी अब पीपी -पी हमारे पास कौन है पीपी हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है ओके okay? ये जो गर्ल है ये जो लड़की खड़ी है यहाँ पे ये हमारे पास पीपी पी है ओके लॉन्ग स्टॉकिंग लॉन्ग स्टॉकिंग लॉन्ग स्टॉकिंग का मतलब है हमारे जो लॉन्ग सॉक्स होते हैं लंबे लंबे सॉक्स होते हैं जो कि तकरीबन हमारे नीज़ तक या फिर नीज़ जो घुटने हैं उससे भी थोड़ा सा ऊपर तक आते हैं ठीक है लंबे सॉक्स होते हैं उनको हम लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं ओके okay, अब ये वर्ड्स कुछ हैं इनको हम देखते हैं सबसे पहला वर्ड हमारे पास है ब्रेडिड स्टूडेंट्स रिपीट लाउडली ब्रेडिड ब्रेडिड का इंग्लिश मीनिंग है प्लेटेड अब ब्रेडिड का जो उर्दू मीनिंग है इसका मतलब है जो चुटियाँ हम ये जो हम लड़कियाँ जो अपने बालों की चुटियाँ बनाती हैं उसको इंग्लिश में ब्रेडिड बोलते हैं ये पिक्चर में आप देखें पीपी -पी के लॉन्ग हेयर है और उसने अपनी ब्रेड्स बनाई हुई हैं ठीक है चुटियाँ बनाई हुई है सेकेंड वर्ड हमारे पास है कैनिबल 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 का मतलब है सम वन हु ईट्स अदर पीपल यानी कि वो लोग जो दूसरे लोगों को खाते हैं कैनिबल का उर्दू मीनिंग है आदम खोर आदम खोर यानी कि आदमियों को इंसानों को खाने वाले लोग थर्ड हमारे पास वर्ड है करेज करेज का मतलब है ब्रेवरी द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट यू यानी कि जब हम कोई ऐसा काम हमारे अंदर करने की एबिलिटी हो कोई ऐसा काम जो कि हमें खौफ़दा कर रहा हो डर जिससे हम डर रहे हों लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो काम करने की एबिलिटी होती है इसे कहते हैं करेज ब्रेवरी करेज का उर्दू मीनिंग है हिम्मत या बहादुरी फोर्थ हमारे पास वर्ड है फ्रैकल्स फ्रैकल्स हमारे पास होते हैं स्मॉल पैचेस ऑफ डार्कर कलर ऑन द स्किन यानी कि हमारे फेस पे जो छोटे छोटे डॉट्स अगर आ जाते हैं कभी कभी आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे स्पॉट होते हैं ब्लैक कलर के उनको फ्रैकल्स बोलते हैं ऑफन मेड डार्कर बाय द सन और ये किस वजह से आते हैं सन लाइट जब डायरेक्टली हमारे फेस पे पड़ती है हमारी स्किन पे पड़ती है तो ऐसे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स हमारे फेस पे आ जाते हैं उन ब्लैक स्पॉट्स को हम फ्रैकल्स बोलते हैं आप पीपी का फेस देख लें गौर से ठीक है ना पी के फे पीपी के जो फेस है उस पर चीक्स पे, पे फ्रैकल्स बने हुए ठीक है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रिमार्केबल 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 का मतलब है सम वन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग यानी गौर रिमार्केबल का मतलब है कबले गौर कोई इंसान या कोई चीज़ जो कि हमारी अटेंशन फ़ौरन कैच कर लेती है नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है साइड वॉक साइड वॉक साइड वॉक का मतलब है अ पेफ्ड पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड रोड के किनारे पर जब हम लोग चलते हैं तो उस किनारे को हम साइड वॉक कहते हैं ओके स्टोकिंग्स स्टोकिंग्स का मतलब है अ वेरी लॉन्ग सॉक्स, ये मैं आपको टाइटल में बता चुकी हूँ कि ये क्या है ओके okay, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन भी हमें करूँगी और जो मुश्किल वर्ड्स हैं वो आप लोग चाहें तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं लेट स्टार्ट

गर्मियों की एक खूबसूरत शाम थी लवली खूबसूरत समर गर्मी इवनिंग शाम द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर टॉमी एंड एनिका वर नॉट एट होम पड़ोस में रहने वाले बच्चे टॉमी और एनिका घर पर नहीं थे यानी कि पीपी का घर जो था उसके घर के पास जो घर था पड़ोस जब हम पड़ोस बोलेंगे तो पड़ोस को इंग्लिश में हम नेबर भी कहते हैं और नेक्स्ट डोर भी कह सकते हैं ओके नेक्स्ट डोर यानी कि आपके घर के साथ वाला जो घर है मोहल्ले में आपके उसको आप नेक्स्ट डोर भी कह सकते हो ओके टोमी और एनिका वो घर पर नहीं थे वो कहाँ गए थे हैड गॉन टू विज़िट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक वो अपनी दादी अम्मा के घर गए थे एक हफ्ते के लिए रहने के लिए एंड सो so, और इसलिए दे हैड नो आइडिया दैट एनी बॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर और इसलिए टॉमी और एनिका को इस बात का पता नहीं था कि कोई उनके पड़ोस में रहने के लिए आया है ओके okay, स्टूडेंट्स इस स्टोरी में हम पीपी, टॉमी और एनिका के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ये कंप्लीटली एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन बाद में इनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर टुडे आप ये लेक्चर बार बार सुनिए और आज के लिए आपका टास्क ये है कि आपने इसको रीड करना है और लाउडली रीड करना है स्पेशली जो ये वर्ड्स हैं मुश्किल वर्ड्स इसको आपने uh, बार बार इसको लाउडली रिपीट करना है ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं और आपकी प्रोनासीशन है वो बेटर हो सके थैंक यू टेक केयर अल्लाह हाफिज़